नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झारखंड में फर्जी डॉक्टरों द्वारा इलाज करने और अस्पताल चलाने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे कई फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर राज्य में हैं जो निजी क्लिनिक और अस्पताल धड़ल्ले से चला रहे हैं। हजारीबाग के उज्जवल कुमार सिन्हा नामक एक व्यक्ति इसी तरह दो जगहों पर निजी नर्सिंग चलाते पकड़ा गया है। उनका नर्सिंग होम राजा बंगला परिसर और नूरा रोड पर स्थित है। फर्जी कागजात पर उसने न केवल स्वास्थ्य विभाग से नर्सिंग होम का निबंधन करा लिया बल्कि बैंकों से लाखों रुपए का लोन भी पास करा लिया। मामला उजागर होने पर सिविल सर्जन ने दोनों नर्सिंग होम के संचालन का सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कोडरमा के झुमरे तिलैया का फर्जी डॉक्टर वेद प्रकाश द्विवेदी ऑन कॉल मरीजों का न केवल इलाज करता था बल्कि जरूरत पड़ने पर उनका ऑपरेशन भी करता था। हजारीबाग स्थित मां नर्सिंग होम में सामान्य मरीजों के इलाज के साथ ही सिजेरियन ऑपरेशन और सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज होता था। यहां एनेस्थीसिया से लेकर बड़े सर्जन ऑन कॉल आते थे। पिछले 5 वर्षों से दोनों नर्सिंग होम चल रहे थे। इसके लिए कई एजेंटों को मोटी कमीशन राशि मिलती थी जो मरीजों को विभिन्न प्रखंडों व गाँव से यहाँ लेकर आते थे। उज्जवल कुमार सिन्हा और वेद प्रकाश द्विवेदी फर्जी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में लगाकर झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद में खुद MBBS डॉक्टर के रूप में निबंधित कराने की फिराक में था। इसके लिए 21 मई 2022 को झारखंड मेडिकल काउंसिल में आवेदन जमा किया था। 4 जून 2022 को काउंसिल में प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद की शिकायत पर फर्जी डॉक्टर वेद प्रकाश द्विवेदी और हजारीबाग के उज्जवल कुमार सिन्हा को रविवार की शाम जेल भेज दिया गया है। दोनों पर ठगी, जालसाजी व धोखाधड़ी की धारा के तहत लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।